हेलो एवरीवन, दिस इज धर्मेश जिनागल फ्रॉम आईटी भिलाई। आज के इस वीडियो में हम अपनी अगली नेम रिएक्शन शुरू करेंगे जो है अपनी हेलोफॉर्म रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, नीट के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई में भी इसका क्वेश्चन आ ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शंस। ओके, सबसे पहले मैंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख रखी है। पहली इंपॉर्टेंट चीज मैंने स्क्रीन पे लिख रखी है कि जी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है मिथाइल कीटोन की। मिथाइल कीटोन अब कैसा होता है? मिथाइल कीटोन होता है ये जो कीटोन, और इसके यहाँ मिथाइल लगा होता है CH3। यहाँ अपना कोई भी ग्रुप आर हो सकता है, आर कीटोन है और उसके बगल में मिथाइल ग्रुप होता है। अब ये जो मिथाइल ग्रुप है ये ही अपना भगवान है आज के दिन के लिए, यही अपना भगवान है आज के दिन के लिए, फिल्म का हीरो यही है, इस पर आप नजरें गड़ाए रखेंगे। ओके, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है हेलोफॉर्म में, हेलोफॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है हेलोफॉर्म में। ओके, ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें CHX3 में। ओके, ये कन्वर्ट हो जाता है हेलोफॉर्म में, इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म जोमेनिया स्पीसीज लिखी है। उसके अलावा क्या होता है, जो जो कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन अपना जो ये वाला यहाँ जो कार्बन है ये किस में कन्वर्ट होता है? सोडियम साल्ट में। सोडियम साल्ट में कैसे? सोडियम साल्ट आपका कैसा सोडियम साल्ट आपका होता है जी? ऐसा आर डबल बोन ओ ओ एन ए, सोडियम पॉजिटिव ए नेगेटिव। ओके ओके, ये चीज आपकी सोडियम साल्ट, इसको बोलते हैं सोडियम सोडियम साल्ट, और ये है आपका हेलोफॉर्म। ओके, आप इन बातों ध्यान रखेंगे। अब आप एक चीज देख लेंगे, ऑक्सीडेशन है ये, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें आप देखेंगे ऑक्सीजन पूरे कंपाउंड में क्या है? एक ही ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है। जबकि इस कंपाउंड में आप देखेंगे कितने ऑक्सीजन है? दो ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन बाहर से आया है, इसी को तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता क्या है? बाहर से ऑक्सीजन का एड होना, तो जी ऑक्सीडेशन हो गया इस कंपाउंड का। दूसरी चीज आप यहाँ क्या देखेंगे कि इस कंपाउंड में देखें कार्बन कितने? एक और एक दो कार्बन, ये आर आर तो दोनों में सेम है, आर आर छोड़े, एक और एक दो कार्बन है। जबकि इसमें कितने कार्बन है? एक, ओनली एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है नहीं जी, नहीं है ना। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी है कि जी एक कार्बन इसमें कम हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग वन कार्बन लेस देन दैट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें अपने दो कार्बन थे, दो सी थे, और यहाँ अपना एक सी होगा, एक कार्बन कम हो जाएगा, रिएक्शन कौन सी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ओके, और जो अपना CH3 हुआ है मिथाइल है, जो अपना फिल्म का क्या है हीरो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हेलोफॉर्म में, CHX3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट इजी सी बात थी, आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले इसको हम कंसाइज मैकेनिज्म करेंगे, उसके बाद इसकी डिटेल्ड मैकेनिज्म हम करेंगे। ओके, तो मैं लिखता जा रहा हूं, आप ध्यान दे लेंगे। सबसे पहले होगा आर सी सी एच थ्री, ये जो CH3 है ये अपना क्या है? फिल्म का हीरो, फिल्म का हीरो। ओके, यहाँ अपने को कुछ रिएजेंट दिए होंगे, रिएजेंट क्या होगा? रिएजेंट होगा एक्स टू और NaOH, X2+ NaOH। ओके, एक बात यहाँ पे याद रखने वाली ये है कि X2 के अपने को मोल दिए होंगे 3 और NaOH के मोल दिए होंगे अपने को 4। ओके, और ये अपना एक मोल, मतलब एक मोल इसको कीटोन को, एक मोल कीटोन का ऑक्सीडाइजेशन करने के लिए अपने को 3 मोल हेलोजन गैस के चाहिए और 4 मोल अपने को सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के चाहिए। दूसरी बात आपको इसकी जगह ये जो आपको मैंने बताया ना, ये जो आपको मैंने बताया है क्या रिएजेंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? NaOX, क्योंकि एक HX तो बाहर निकल जाएगा, तो इसको NaOX भी लिख सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे? तो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ व्हाइट पेन से आपका, आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एन ए, जो मैंने अभी पिछली बार बनाया क्या? सोडियम साल्ट। दूसरा अपना जो फिल्म का हीरो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आपने देखा होगा जो फिल्म का हीरो है वो कन्वर्ट हो जाता है CHCl3, CHCl3 नहीं CHX3, क्योंकि मैंने अभी स्पेसिफाई नहीं किया ना कि क्लोरीन है ना, स्पेसिफाई नहीं किया है, तो मैं CHX3 लिखना पसंद करूंगा इसे, ठीक है, CHX3 लिखना पसंद करूंगा मैं इसे। ये आपको इतनी मैकेनिज्म, इतनी जो रिएक्शन है ये समझ आ गई होगी। ओके, दूसरी चीज एक्स क्या क्या हो सकता है? एक्स हो सकता है जी हेलोजन, हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। तो मजे की बात है फ्लोरीन इसमें नहीं होगा, फ्लोरीन इसमें नहीं होगा, बाकी तीनों चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, तो तीनों चीजें देखने को मिलेगी, तो अपने वो तीनों चीजें क्या क्या मिल सकती है? CHCl3 क्लोरोफॉर्म, कहाँ यूज हुआ था ये? कहाँ यूज होता है? राइमर डिमांड में यूज होता है ना। उसके बाद आपको मिल सकता है CHBr3, आपको ये मिल सकता है। तीसरी आपको क्या मिल सकती है? CHI3। ओके,
अब यहाँ एक छोटी सी इजी सी बात, अच्छी सी बात आपके लिए ये है कि जी ये दोनों होते हैं ना, ये दोनों, ये तो होते हैं कलरलेस, और ये जो ये है, ये जो है, ये जो है, ये मैं बना रहा हूँ, ये होता है येलो कलर का। किसका? पीला, येलो कलर का ये होता है। तो देखें, आपको अगर कोई मैंने मिक्सचर दे दिया जिसमें कीटोन है, ओके, तो उसमें आप अगर X2 की जगह I2 यूज करेंगे, I2 यूज करेंगे, तो अपने को यहाँ प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? पीला, पीला कलर मिल जाएगा आपको। पीला कलर आप देखते ही बता दें कि जी हाँ, मैंने आयोडीन तो मैंने डाला था, और अगर ये पीला कलर दे रहा तो इसके साथ में, इसका साथ ही कीटोन तो होना चाहिए, तभी पीला कलर होगा। आयोडीन आप डालते हैं और पीला कलर मिल रहा है, इसका मतलब कीटोन है। आयोडीन डालते हैं, पीला कलर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कीटोन नहीं है। ओके, और ओके, आप ये बात समझे? तो बस इसी को, अगर आयोडीन I2 यूज करेंगे तो इसको बोलते हैं आइडोफोम टेस्ट, आइडोफोम टेस्ट, आइडोफोम। और ये जो बना है इसको बोलते हैं आइडोफोम, ये अपना ब्रोमोफोम और ये अपना क्लोरोफोम, ठीक है। और अगर आयोडीन यूज करेंगे ना हेलोजन, तो उसको बोलते हैं आइडोफोम टेस्ट। इतनी बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके, तो चलें आगे। अब इसकी हम करेंगे मैकेनिज्म, अब इसकी हम करेंगे मैकेनिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़िया डिटेल्ड मैकेनिज्म आपकी इसमें करेंगे हम। आपका काम वैसे उससे भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैकेनिज्म कर लेना अच्छा रहता है सेहत के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी मैकेनिज्म। दिया क्या है? RCCH3, फिल्म का हीरो। CH3 अपना क्या है? फिल्म का हीरो है। ओके, आपको दिया होगा एक NaOH। NaOH अपने गिनते रहिएगा, NaOH अपने 4 यूज करेंगे, है ना। NaOH काम क्या है जी? OH नेगेटिव बेस, भाग के आएगा यहां से, हाइड्रोजन निकाल लेगा। लेकिन आप कहेंगे कि जी यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा और ये नेगेटिव है, तो इस डेल्टा पॉजिटिव को यहाँ पे तो अटैक करना चाहिए। जी हाँ, कर लेना चाहिए। लेकिन लेकिन एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है? सबसे फास्ट होती है दुनिया में। ये रिएक्शन होगी ही नहीं उससे पहले कि अपनी ये रिएक्शन हो जाएगी। ओके, एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होती है, तो अपना प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ RC(OH)CH2 नेगेटिव, ये अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, अपना प्रोडक्ट ये जो नीचे वाला बनाया मैंने, इससे ये कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही स्लो है, ऊपर वाली एसिड बेस रिएक्शन बहुत ही फास्ट है। आप इन बातों को ध्यान रख लेंगे, ठीक है। अब एक आपको रेजोनेंस नाम की चीज होती है, रेजोनेंस नाम की चीज होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। CH2 O पे नेगेटिव, O पे नेगेटिव है। ओके, अब मैं इसमें क्या डालूंगा? इसमें डालूंगा, मैं डालूंगा जी X2। X2 मैंने डाला, X2 डालते ही मैंने क्या देखा? मैंने देखा ऑक्सीजन वाला वापस आएगा, अपना ऑक्सीजन वाला नेगेटिव चार्ज वापस आएगा। रेजोनेंस जब वापस आएगा तो ये वाला बॉन्ड घूम के कहाँ आएगा? हेलोजन को निकाल लेगा, और एक एक्स नेगेटिव अपना बाहर चला जाएगा, एक एक्स नेगेटिव अपना बाहर चला जाएगा। तो अपना प्रोडक्ट हम देखें, तो अपना क्या मिलेगा अपने को? प्रोडक्ट प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा RC CH2 X और डबल बॉन्ड O। इतनी चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है, इतनी चीज आपको मिल जाएगी। अब आप देखें, यहां से आपका एक Na बचा था, यहां से आपका एक, मैं इसको मैं किस कलर से लिखूं? इसको मैं ब्लैक कलर, दिख जाएगा ना? हाँ दिख जाएगा। इसको मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से एक Na बचा था, OH तो यूज हो गया था, Na बचा था, और यहाँ से एक X नेगेटिव बाहर निकला था, वो बचा था। तो ये दोनों मिलके आपका क्या बना लेंगे? NaX, NaX बना लेंगे, जो रिएक्शन में बाहर चला जाएगा। NaX आपका फ्री रहेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिलहाल आपका प्रोडक्ट ये बन गया। इसमें आप फिर वही रिएक्शन दोहराएंगे, इसमें आप फिर वही, मैं अगले अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ, आप इतनी चीज आप देख लें दोबारा कि जी OH नेगेटिव आएगा, अटैक करेगा CH3 जो अपना मिथाइल है, फिल्म का हीरो, उससे एक हाइड्रोजन निकालेगा और नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ क्यों नहीं अटैक करेगा? क्योंकि ये रिएक्शन हो तो सकती है, लेकिन वेरी स्लो है, बहुत ही स्लो है। एसिड बेस रिएक्शन दुनिया में सबसे फास्ट होती है। ओके, अब ये नेगेटिव चार्ज जो बनेगा, ये रिजोनेंस करता रहेगा, ऑक्सीजन पे जाएगा, जब वापस आएगा, वापस आते ही एक हेलोजन को कार्बन एड कर लेगा अपने साथ, दूसरा हेलोजन निकलेगा इधर Na के साथ, ये NaX निकाल देगा। जो कल की बातें हैं उन्हें हमने कोई मतलब नहीं, हमारा प्रोडक्ट अभी तक क्या था? ये था बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा प्रोडक्ट अभी तक ये है। इसको मैं अगली स्लाइड पे लिख रहा हूँ, है ना। आप देखें हमारा प्रोडक्ट क्या था? फिल्म के हीरो के साथ मैं चल रहा हूँ RCH2 X डबल बॉन्ड O, फिर मैं इसके साथ वही NaOH यूज कर रहा हूँ, NaOH यूज करूंगा, तो फिर आपको सेम टू सेम प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड O। ओके, सेम टू सेम स्टेप है ये,
इसमें कोई दो राय आपको होनी नहीं चाहिए। फिर मैं फिर NaOH चूज कर रहा हूं, ओके। इतनी चीज तो आपको समझ आ ही गई होगी, CX3 डबल बॉन्ड O। आप देखें, एक एन ए तो मैं पहले यूज कर गया था, दूसरा एन ए आपका दो नंबर एन ए ये रहा, तीसरा एन ए आपका तीन नंबर एन ए ये रहा। मैंने कहा था एन ए और चार लेंगे अपने, ठीक है। एक एक्स टू आपने पहले यूज कर लिया था, दूसरा एक्स टू आपका ये रहा, तीसरा एक्स टू आपका ये रहा। मतलब अभी आपने ओवरऑल अपने पास क्या बचा है, एक एन ए बचा है, उसके अलावा अपने पास कुछ नहीं बचा। एक्स टू तो खत्म, उसके अलावा अपने पास कुछ नहीं बचा, एक एन ए बचा है। तो मैं यहाँ वही अब यूज करने जा रहा हूँ, व्हाइट पेन से मैं यूज करूंगा वही एन ए अपना, एक एन ए ओ एच, एन ए ओ एच NaOH, वही अपना NaOH यूज करूंगा, ओके। इस NaOH का जो ये OH है, ये हमेशा कहाँ टैग करता था, हमेशा तो यहाँ टैग करता था, लेकिन इस बार तो यहाँ कुछ है ही नहीं, हाइड्रोजन ही नहीं है। ऐसी रिएक्शन फास्ट तो होती है, लेकिन इसके लिए तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इस बार तो ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती। ये रिएक्शन इस बार कौन सी होगी, इस बार जो यहाँ पहले करना चाहता था वो वाली हो जाएगी, पहले ये जो करना चाहता था वो वाली हो जाएगी। ये नेगेटिव चार्ज ऊपर जाएगा, ओके, ऊपर जाएगा तो अपने बनेगा क्या, ऊपर जाते ही बनेगा क्या अपना, बनेगा ये चीज आपको बनती हुई दिखाई देगी। ओ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ एक OH OH जुड़ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, ओके। ये रिएक्शन है, यहाँ पे अपना CX3 है, CX3 है, तो ये अपना कल को वापस भी तो आएगा, जो गया है वो वापस आएगा, वापस आएगा तो आपका ये CX3 है, ये बाहर निकल जाएगा, CX3 है वो बाहर निकल जाएगा। बड़ा इजी सा तरीका है, आप देखें कि यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, सेम स्टेप दोहरा रहा हूँ। लास्ट दो NaOH बचेगा, उसका OH अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, फिर ये बॉन्ड नेगेटिव चार्ज वापस नीचे आएगा, OH यहाँ ऐड हो गया, तो CX3 अपना बाहर निकल रहा है। अगली स्लाइड में मैं चल रहा हूँ, ओके। अपना क्या बना था, R यहाँ पे, O पे नेगेटिव था, यहाँ पे CX3 था, और यहाँ पे क्या था, OH था। वापिस आएगा अपना नेगेटिव चार्ज, रुकिए एक सेकेंड, वापिस आएगा तो ये बाहर निकल जाएगा, ओके। क्या बना अपना प्रोडक्ट, OH डबल बॉन्ड O प्लस CX3 पे नेगेटिव चार्ज। अब जो ये नेगेटिव चार्ज है, अब तो एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि यहाँ क्या है, हाइड्रोजन पड़ा है, हाइड्रोजन पड़ा है, तो चलिए बन क्या गया, CHX3, CHX3 अपना हेलो फॉर्म, एक प्रोडक्ट तैयार हो गया। दूसरा क्या, दूसरा इधर क्या बचा, R O पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O, क्योंकि H प्लस जाएगा तो O पे तो नेगेटिव बच जाएगा। यहाँ अपना पीछे एक N, जो फोर्थ NaOH था उसका Na प्लस बचा हुआ था, क्योंकि OH था वो OH तो यहाँ आ गया था, Na प्लस बचा हुआ था, Na प्लस बचा हुआ था, तो अपने ये लो जी Na जो है वो मैं यहाँ एड कर देता हूँ। इस O पे क्या था नेगेटिव, Na पे क्या है पॉजिटिव, ये अपना साल्ट बन गया, ये अपना क्या बन गया, सोडियम साल्ट बन गया। अपने दोनों के दोनों प्रोडक्ट आपकी आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने है, एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों के दोनों प्रोडक्ट अपने ये रहे। अगर एक्स की जगह, अगर एक्स की जगह आयोडीन हो तो येलो कलर अपने को दिखाई देगा, येलो कलर अपने को दिखाई देगा, इसलिए इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट किसका, कीटोन का, और ये सोडियम साल्ट अपना इस तरफ पड़ा रहेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ओके। ये जो सोडियम साल्ट होगा ये एसिडिक नेचर का होगा, क्यों, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई, ओके। अब एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, या क्या था, R C डबल बॉन्ड O और CH3, ये फिल्म का हीरो था, कि यहाँ हमें देखना है कि ये जो कीटोन हो, कीटोन के जस्ट पास में CH3 हो, तभी आयोडोफॉर्म टेस्ट हो सकता है ना। ये CH3 था, यही अपना CHX3 में कन्वर्ट हो रहा था, ओके। अगर मैं आपको कह दूं कि आप ये बताएं, R C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, क्या अब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, मैंने कहा जी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, मैंने कहा जी कीटोन के पास में CH3 होना चाहिए, लेकिन ये तो CH2 है, CH2 है, ओके, CH2 है, CH3 नहीं है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, है ना। आप इसको करवाने जाएंगे तो दो स्टेप तक आप क्या क्या बना देंगे, CX2, ओके, CX2 H लगाएंगे तो ये बना देंगे, एक CH3 तो इसके साथ एड होगा ही होगा, है ना, इसका मतलब ये अपना क्लोरोफॉर्म तो नहीं बना,
मतलब यहाँ दूसरी पोजीशन पे अपना CS3 होना चाहिए, जो अपना क्या है फिल्म का हीरो। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि ये फिल्म का हीरो है, CS3 होना ही चाहिए आपकी आंखों के सामने। ओके, अब एग्जामिनर कह देता है कि आपको ये स्पीसीज दे भी देगा कि हाँ ये है। कई बार क्या होता है कि वो कह देगा ये है नहीं इसको बना दो, ये है नहीं इसको बना दो, तो हम इसको बना भी सकते हैं। कैसे? आपको दे दिया जाए एल्कोहल, दे दिया जाए कैसे? एल्कोहल दे दिया जाए CH3CHOH, ये आपको ग्रुप दे दिया जाए। कोई कोई मान लो ये ग्रुप दे दिया जाए, इसमें क्या हो सकता है? इसमें क्या हो सकता है? मैं लिख रहा हूँ यहाँ R लिख रहा हूँ, मान लीजिए ठीक है, ये आपको ग्रुप दे दिया जाए, जैसे कि CH3CH, इसको मैं C2H5 लिख रहा हूँ। ओके, और OH आपको पता है, मैं कभी भी किसी 2 डिग्री एल्कोहल है, ये सबको पता होना चाहिए कि ये 2 डिग्री एल्कोहल है, पता है ना? हाँ पता होना चाहिए। इसको मैं ऑक्सीडेशन कर लूँ इसका, तो 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे क्या बनता है? कीटोन। क्या बनता है? कीटोन। तो ये क्या बन जाएगा? CH3CC2H5 डबल बॉन्ड O। तो ये अपने वही स्पीसीज बन गई ना, वही स्पीसीज बन गई कि जी कीटोन है। कीटोन के जस्ट बगल में अपना हीरो फिल्म का हीरो कौन? मिथाइल। ओके, यहाँ पे मैं क्या डालूंगा? NaOX। NaOX किससे बना है? ये NaOH प्लस X2 से बना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अपना प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? CH3 CHX3, और इधर क्या बन जाएगा? C2H5 डबल बॉन्ड O, और इधर ONA, ये अपने दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। ओके, तो ये अपना आइडोफॉर्म टेस्ट ये भी दे सकता है, आइडोफॉर्म टेस्ट ये भी दे सकता है। इतनी बात आपको समझ आ जानी चाहिए। ओके, ये देखें, ये मैंने जो R लिख रहा था, मैं लिख रहा था R C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 में था हीरो, CO से कोई मतलब नहीं। R, ये जो कौन से, ये जो चीज है R, ये मैंने लिखी R, इस पे आपको कुछ भी दे दिया जाए, R पे आपको कोई इफेक्ट नहीं डालना है, R जैसा हो हमें कोई इफेक्ट नहीं डालना है। तो इसमें ढूंढे आप ऊपर वाला जो मैंने ये बना रखा है, इसमें ढूंढे ये अपना फिल्म का हीरो CH3 फिल्म का हीरो, ये अपना कार्बोनाइल ग्रुप, बचा क्या? ये जो पोजिशन है ये पूरी R है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने जैसा है वैसा का वैसा बना देना है, हमने जैसा है वैसा का वैसा बना देना है। करना हमने चेंज क्या करना है? हमने CH3 जो है फिल्म के हीरो को CHCl3 में कन्वर्ट कर देना है, और उसकी जगह हमने ONA लगा देना है। जो R है उसमें डबल बॉन्ड है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमने जैसा है वैसा का वैसा उसको पड़े रहने देना है। ओके, आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना? आगे चलें, ये आपका PYQ किसका? नीट का PYQ है ये। ओके, नीट का मैंने PYQ आपके सामने, आपकी नजरों के सामने रख दिया है, देखते हैं कौन कौन सोल्व कर पाता है। तो इसमें मैंने लिखा है कि दो चीजें आपको दी हुई है, एक तो दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड O, और दूसरा क्या है? C6H5 CH2 CH डबल बॉन्ड O। इनमें से कैन बी डिस्टिंग्विश्ड केमिकली बाई, इन दोनों को अलग अलग कैसे कर सकते हैं? इन दोनों को अलग अलग कैसे कर सकते हैं? बेंडिक टेस्ट, आइडोफॉर्म, टोलेंस या फेलिंग, इन चारों में से किस टेस्ट से हम इसको अलग कर सकते हैं? तो हम एक चीज देख लेंगे कि जी हाँ, सब में कीटोन है, कीटोन है, कीटोन के बगल में इसमें तो CH3 है, तो ये आइडोफॉर्म I2NaOH डालेंगे तो ये पीला कलर देगा, ये पीला कलर देगा, जबकि इसमें क्या है? इसमें CH2 है, फिल्म का हीरो कौन होता है? CH3, लेकिन यहाँ तो CH2 है, तो हीरो प्रेजेंट नहीं है, हीरो प्रेजेंट नहीं है, तो I2+NaOH के साथ ये येलो कलर देगा? जी नहीं देगा, जबकि ये अपना येलो कलर देगा। तो हम इसको भगवान की दया से आइडोफॉर्म टेस्ट से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, आइडोफॉर्म टेस्ट से हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो ये अपना पहला कंपाउंड, जो अपने को पहला कंपाउंड ये दिया हुआ है, इसमें अपना फिल्म का हीरो प्रेजेंट है। ओके, समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। चले आगे, एक और क्वेश्चन आपके सामने, इजी सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा नीट का है, ये भी 2010 का क्वेश्चन है। फॉलोइंग कंपाउंड आर गिवन, विच ऑफ द अबो कंपाउंड्स ऑन बींग वार्म्ड विद आयोडीन सोल्यूशन एंड NaOH, आयोडीन और NaOH देख लिया आपको याद आ जाती है, हेलो फॉर्म में भी आयोडीन है, तो आइडोफॉर्म, ठीक है, आइडोफॉर्म कौन कौन बनाएगा? बिल्कुल, हम देखने जाएंगे कि O के पास CH3 होना चाहिए। इसको पहले पहले कंपाउंड में लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ
आप इनको खोल के लिखेंगे, बहुत ही जरूर लिखेंगे आप इनको खोल खोल के। ओके ओके, पहले कंपाउंड को मैंने ये खोल के लिखा, मैं दूसरे को लिख रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आप खुद बता देंगे, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, है ना, आप खुद ही बता देंगे C। ओके ओके, तो पहले तो आप यही देख लें कि अपना फिल्म का हीरो फिल्म के हीरो की तरफ CH3 इस तरफ भी है, तो इसमें तो कहने क्या, दो दो तरफ CH3, तो ये तो अपना पक्का ही देगा आइडोफोम, पक्का ही अपना आइडोफोम ये टेस्ट दे देगा। ओके, ये अपना आइडोफोम टेस्ट कभी नहीं दे सकता, ये अपना आइडोफोम टेस्ट कहीं कभी नहीं दे सकता, क्योंकि सी के पास ओ है, ये हाइड्रोजन अपने ऑक्सीडेशन करके हाइड्रोजन निकाल देंगे, तो भी अपने पास क्या बच जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड ओ, ये बच जाएगा ना, तो ये तो कल भी नहीं देगा, आज भी नहीं दे रहा है, तो ये तो कभी नहीं दे रहा, तो फोर्थ तो मैं काट ही देता हूँ, फोर्थ तो मैं काट ही देता हूँ, फोर्थ यहाँ भी है क्या कहीं, ये लो फोर्थ तो अपना दे नहीं सकता, ये फोर्थ है इसलिए मैंने बी ऑप्शन भी काट दिया। सेकंड अपना देगा, सेकंड अपना देगा, मैं इसके पास गया, थर्ड नंबर को देख रहा हूँ, मैं थर्ड नंबर को चेक कर रहा हूँ, CH3 ऑक्सीडेशन करा सकते हैं हम एल्कोहल का, है ना, मैंने बताया ऑक्सीडेशन कराएंगे तो 2 डिग्री कीटोन बन जाएगा। ओहो, मैंने यहाँ देखा, ओहो क्या देखा, कीटोन कीटोन के बगल में CH3, ये तो बिल्कुल सेकंड वाला ही तो है अपना, तो जी हाँ, फर्स्ट भी देगा, नहीं सेकंड भी देगा और थर्ड भी देगा, सेकंड भी देगा थर्ड भी देगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इनमें थर्ड का ऑप्शन नहीं है, थर्ड का ऑप्शन नहीं है, तो आप डायरेक्ट भाग दौड़ के चले जाएंगे डी के पास, फर्स्ट को चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं करके दिखा सकता हूँ कैसे इसका अपने ऑक्सीडेशन करेंगे, तो सी सी डबल बॉन्ड ओ और एच अपने पास ये बच जाएगा, भगवान की दया से अपने पास क्या है, भगवान की दया से अपने पास एक चीज है, भगवान की दया से अपने पास एक चीज है कि अपने पास सीओ तो है और उसके बगल में अपना फिल्म का हीरो भी बैठा है, फिल्म का हीरो भी बैठा है, तो ये भी अपना आइडोफोम टेस्ट देगा, ये भी अपना आइडोफोम टेस्ट देगा, सेकंड देगा लेकिन फोर्थ नहीं देगा, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ओके, होप कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, है ना, इसके PYQ करिए, इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, जुड़े रहिए।